हेलो फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम है और गर्मियों में आप तरबूजा या खरबूजा बहुत खाते हैं और बीज उसको आप फेंक देते हैं, लेकिन जो बीज होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं। आप उस बीज के इस्तेमाल से आप बहुत अच्छे डेजर्ट्स बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, या कोई भी आप मिठाई बनाना चाहें उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप खरबूजा खाते हैं, उसके बीज को, गूदे को आप पानी में भिगो दीजिए। इसको कम से कम 10-12 घंटे भिगो दीजिए, उससे ये जो गूदा और ये बीज अलग हो जाएंगे। फिर आप इसको एक छन्नी में डाल के इस तरह से कर लीजिए। पानी के नीचे टंकी होती है, उसके नीचे रख के उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, और ये इस तरह से जो पल्प है इसे आप बाहर निकाल दीजिए, और ये सारे बीज हमारे निकल जाएंगे, ये देखिए। और इसको बीज को आप फिर सुखा लीजिए धूप में। सुखाने के बाद आपको दिखाते हैं इसका करना क्या है। आप हमारी पूरी वीडियो देखिए, तब आपको पता लगेगा। अब इसे हम अच्छी तरह से पानी में इसे धो लेंगे और इसे धूप में सुखाएंगे। हमने आपको दिखाया था ये खरबूजे के बीज, ये हमारे 2 खरबूजों के बीज है। इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसे हमने सुखा दिया है, ये बिल्कुल सूख गए हैं। यदि आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी छील सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा भिगो लीजिए और गीले कपड़े में बांध लीजिए, इससे इसके छिलके जो हो जाएंगे बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और ये छीलने में बहुत आसानी हो। यदि आप ऐसे छीलेंगे तो आपके नखूनों में भी दर्द हो जाएगा और बीच में जो बीज हैं वो टूट भी जाते हैं। इसका दूसरा हम तरीका बताएंगे आपको, पहले इससे पहले हम इसके बारे में हम बताएंगे ये खरबूजे के बीज कितने फ़ायदेमंद है। आपको तो मालूम है खरबूजा खाने के कितने फ़ायदे हैं। उसमें फाइबर ज़्यादा होता है और पेट में ठंडक भी मिलती है, लेकिन इसके बीज कितने गुणकारी है इसके बारे में हम बताते हैं। इसमें ओमेगा 3 एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन ए, सी और ई होता है। विटामिन ए आपको मालूम है आँखों के लिए बहुत फ़ायदा होता है और जोड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है। यदि आपको पेट की कोई बीमारी एसिडिटी है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और यदि आपको डायबिटीज 2 है उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। लगातार आप इसका सेवन करेंगे तो आपको कभी भी डायबिटीज का खतरा नहीं रहेगा। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड, इसका हम दूसरा तरीका बताते हैं। इसको आप अच्छी तरह से सुखा लीजिए और इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, फिर उसे आप छन्नी में छान लीजिए। छानने पे आपको बीज का जो मिलेगा आपको उसको आप स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपको यूज़ करना है मिठाई में या किसी डेजर्ट में या मिल्क शेक में आप उसे बना सकते हैं। खीर, सेवइयां, जो भी आप डेजर्ट बनाना चाहते हैं उसमें आप आसानी से 2 या 3-4 चम्मच जो आप डालना चाहते हैं आप डाल के यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इसको तरीका बताते हैं, इसे मिक्सी में पीस के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने मिक्सी में पीस लिया है, अब इसे हम छानेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमने इसके खरबूजे के बीज के फ़ायदे बारे में भी बताया और हम खरबूजे के नुकसान के भी बारे में बता रहे हैं। खरबूजा वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद है गर्मी में, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन भी नुकसान देता है। कभी कभी ज़्यादा आप खा लीजिए तो आपको नुकसान देगा इसमें, और उसके बाद इसको पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे भी कोई भी फल आप खाइए, पानी बिल्कुल मत पीजिए, इससे उल्टी, दस्त और बुखार हो सकता है, और इसकी तासीर ठंडी होने की वजह से सर्दी जुकाम हो, आपको बिल्कुल इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो आप लिमिट में खाइए, आप कोई भी लिमिट से बाहर जाते हैं तो उसका नुकसान भी होता है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। इसको हमें छानना है, ये देखिए छिलके सारे ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए हमारा इतना ये छिलका निकल गया है, और ये हमारे पास इतना ये खरबूजे के बीज के पाउडर हैं। आप इसको स्टोर करके आप फ्रिज में रख दीजिए, ये आपका ख़राब नहीं होगा। जब आपको इसकी ज़रूरत हो तब आप इसको यूज़ कीजिए।